नेतृत्व का अभाव। बुद्धा से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तक, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर कांशीराम साहब तक जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में लीडरशिप प्रस्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो जो नेतृत्व प्रस्थापित करने जा रहे थे, उन लोगों ने हमारे महापुरुषों के आंदोलन को, महापुरुषों को धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहब ने कहा। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास भूलती है, इतिहास उन्हें सबक सिखाती है। पेशवाई में हमारे लोगों के साथ में, हमारे पुरखों के साथ में, हमारे समाज के साथ में जो व्यवहार हुआ, वो व्यवहार अमानवीय हुआ, मानवीय नहीं हुआ। अछूतों के गले में मटका डाला, पिछोड़े पे झाड़ू लगाया, क्या वो पेशवाई अभी तक खत्म हुई है? वो पेशवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, केवल सरकार गई है। पेशवाई में जातीय संघर्ष लगाए ब्राह्मणों ने, उन्होंने अछूतों के बीच में संघर्ष लगाया, महार वर्सेस मातंग, महार वर्सेस मांगों के बीच में संघर्ष लगाया, गुमंतों के बीच में संघर्ष लगाया, ओबीसी में सुनार सोनार वर्सेस सुतारों के बीच में झगड़ा लगाया, सुतार वर्सेस कुंभारों के बीच में झगड़ा लगाया, शूद्र कायस्थ प्रभु के बीच में झगड़ा लगाया। ये झगड़ा इसलिए लगा रहे थे कि वो लोग संगठित ना हो और पेशवाई खत्म ना की जाए, इसलिए वो जातीय संघर्ष लगा रहे थे, जातीय झगड़ा लगा रहे थे। आज भी वो जातीय संघर्ष, जातीय झगड़ा निरंतर शुरू है। अंकल जी, आपको पता होगा, आज आरक्षण के नाम पर महार वर्सेस मातंग के बीच में झगड़ा लगाया हुआ है, प्रोपोगंडा किया आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, और मातंग लोगों को कहा, अरे तुम्हारा आरक्षण महारों ने खाया तो क्या करना होगा, 8.5% मांगना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में मातंग कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है, क्या 8.5% है? यानी जो समाज सरकार में नहीं है, उनके विरोध में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम बनाया गया। जब मुख्यमंत्री फडणवीस था, धनगर लोगों ने कहा कि हमें आदिवासियों का 1% भी नहीं चाहिए, 0.1% भी नहीं चाहिए, हमारे लोक संख्या के आधार पर हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आदिवासी लोगों को फडणवीस ने कहा, अरे वो धनगर प्रगत है, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं चाहिए, लोक संख्या के आधार पर हमें आरक्षण चाहिए। फडणवीस ने ओबीसी के लोगों को कंफ्यूज किया और कहा, ये मराठा प्रगत है, तुम्हारा आरक्षण खाने के लिए बीच में आ रहे हैं, विरोध करो। ओबीसी लोग मराठा जाति के विरोध में खड़े किए। यानी पेशवाई का जो झगड़ा है वो आज भी शुरू है। यानी क्या, दारू वही है, दारू की नशा वही है, बोतल भी वही है, केवल लेवल बदला है, केवल लेवल बदला है। साथियों, आज भी पेशवाई जिंदा है, पेशवाई यानी कैसी जिंदा है, साइकोलॉजिकल जिंदा है। हमारे 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम किया, वो कौन थे 500 लोग? महार थे, मातंग थे,
शेड्यूल कास्ट के जातियां थी, घुमंतु जनजातियां थी। और ये पेशवाई खत्म की 1 जनवरी 1818 को, ये भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक प्रेरणा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दुनिया की हायर एजुकेटेड पर्सनालिटी थी। दुनिया में कहीं भी रहने दो, बाबा साहब अंबेडकर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव आते थे और भीमा कोरेगांव में आकर किसको सैल्यूट मारते थे? दुनिया के हायर एजुकेटेड पर्सनैलिटी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उन लोगों को सैल्यूट मारते थे जो 500 अनएजुकेटेड लोग थे। बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को सैल्यूट नहीं किया, बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये कहा। आज भी हमारी समस्या हमारे अनपढ़ लोग नहीं है, हमारी समस्या पढ़े लिखे लोग है। इसलिए इतिहास एक प्रेरणा होती है, इस प्रेरणा को हम जिंदा करना चाहते हैं। जहां लहू जी का, वस्ताद लहू जी साळवे जी का जन्म हुआ, उस भूमि में आए हैं। ये भूमि आद्य क्रांति वीर उमाजी नायक के पदस्पर्श से भूमि पावन हुई भूमि है। जब सातारा में 1920 को किसानों ने ब्राह्मणों के घर जलाए, क्योंकि ब्राह्मण साहूकार थे, महाजन थे, किसानों की जमीन ले ली थी झूठे कागजात बनाकर। जब किसान संगठित हुए तो ब्राह्मणों के घर जलाए, इतना ही नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट बनाए थे ब्राह्मणों ने, झूठे डॉक्यूमेंट बनाए थे, किसानों की जमीन हड़पी थी, वो डॉक्यूमेंट भी जलाए। तिलक प्रणीत शिष्य श्रीपाद अमृत डांगे दी सोशलिस्ट में उसने एक आर्टिकल लिखा कि ब्राह्मण असुरक्षित है। जब सातारा का जंग दंगा हुआ, किसानों ने ब्राह्मणों के घर पर हमला किया, दस्तावेज जलाए, 1920 को जलाए, 1922 को श्रीपद अमृत डांगे ने यह लिखा कि ब्राह्मणों ने सो संरक्षण के लिए ब्राह्मणों का एक संगठन स्थापन करना चाहिए। 1920 को लिख रहा है दी सोशलिस्ट में, और 1925 को आरएसएस का जो ब्राह्मणों का संगठन है वो स्थापन हो रहा है। यानी कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है, यानी आरएसएस का प्रेरणा स्रोत श्रीपद अमृत डांगे ये ब्राह्मण नामक है, ये ब्राह्मण है। उसने ही कहा 1922 को ब्राह्मणों का एक संगठन होना चाहिए, 1925 को ब्राह्मणों का संगठन खड़ा हुआ। ये भूमि जो है, ये पुरंदर देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ किला देख रहे हो, यह हमारी विरासत है। यह ब्राह्मणों की विरासत नहीं है, यह हमारी विरासत है, और हमारा फर्ज है हमारी विरासत को बचाना। अगर हम हमारी विरासत को बचाते हैं तो इतिहास बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी प्रेरणा बचेगी। उमाजी नायक, आद्य क्रांतिवीर उमाजी नायक का केवल संघर्ष ब्रिटिशों के विरोध में नहीं था, बल्कि ब्राह्मणों के विरोध में भी था। उनके समय में भी पेशवाई जिंदा थी। वो कैसे थी पेशवाई? ने जो पैदा किए हुए जमींदार थे, महाजन थे, वो तो ब्राह्मण थे, साहूकार थे, और इन्होंने किसानों को लूटा, इन्होंने अनटचेबिलिटी का व्यवहार हमारे लोगों के साथ में किया, हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किए। तो उमाजी राजे नायक ने लोगों को संगठित करने का काम किया। इसलिए उमाजी राजे को आद्य क्रांतिवीर कहा जाता है, इतना ही नहीं बल्कि प्रति शिवाजी भी कहा जाता था। और उनके मंत्रिमंडल में वस्ताद लहू जी थे। स्वराज्य का मौखिक किताब वस्ताद लहू जी ने ही
आद्य क्रांति वीर उमाजी नायक को दिया। भोर लूटा, उमाजी नायक के दरबार में उनके सैनिक जो थे, वो सैनिक कौन थे? सिंगल ब्राह्मण नहीं था, सिंगल ब्राह्मण नहीं था, पूरे के पूरे 85% मूल निवासी SC ST OBC के लोग थे, घुमंतु जनजाति के लोग थे। उमाजी नायक ने भोर लूटा, ब्राह्मणों का घर लूटा, भोर में रांजनगांव में ब्राह्मणों का घर लूटा, जो साहूकार थे, जमींदार थे, महाजन थे, पूना में लूट की। इसलिए लूट की क्योंकि वो लोग जो थे वो लुटेरों थे, लुटेरा थे, शोषक थे, किसानों का शोषण करते थे, हमारे लोगों का शोषण करते थे, और जो शोषण करता है उसकी तिजोरी लूटना, इसको लूट नहीं कहा जाता। संगठित भी ऑर्गेनाइज होकर जो दरोड़ा होता है उसे दरोड़ा नहीं कहा जाता, उसे लूट नहीं कहा जाता, वो एक विद्रोह होता है। और उमाजी नायक जो आद्य क्रांतिवीर उमाजी नायक थे, वो आद्य क्रांतिवीर उमाजी नायक होने के बावजूद भी आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के, जब ब्रिटिश लोगों ने आदेश पारित किया कि उमाजी नायक को पकड़ो, जो पकड़ेगा उसके लिए 200 बीघा जमीन और 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उमाजी राजे को, आद्य क्रांतिवीर उमाजी राजे को शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पकड़कर नहीं दिया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने पकड़कर नहीं दिया, घुमंतु जनजाति के लोगों ने पकड़कर नहीं दिया, मुसलमानों ने पकड़कर नहीं दिया, तो आद्य वीर क्रांति राजे को किसने पकड़कर दिया? उत्रेश्वर नामक ब्राह्मण ने पकड़कर दिया। त्रिंबक कुलकर्णी जो था उसने पकड़ कर दिया, और जो स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, वो आद्य वीर क्रांति राजे को पकड़ने वाला ब्राह्मण देशद्रोही था, ब्राह्मण देशद्रोही था, तो देशद्रोही को देशहितवादी, देशभक्त, जब फांसी हुई उमाजी राजे को, तो आंदोलन में वासुदेव बलवंत फड़के नाम का ब्राह्मणों को उसाया, और वो हमारे लोगों को हिसाब मांगता था, यहां से इतना आया वो कहां गया, तो हमारे भी लोग होशियार थे, जागरूक थे तब के लोग, तो कहते थे ये ब्राह्मण है, अंदर घुसा दिया इसको, इसको कुछ भी जानकारी नहीं देनी है, वो बताते नहीं थे। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोशी लोगों को गाली दी, और रिकॉर्डेड मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इतनी गंदी गाली दी रामोशी लोगों ने, घुमंतु जनजाति के लोगों ने, इसको भूलना नहीं चाहिए। 100% ब्राह्मणों ने प्लान बनाया, सामाजिक संगठन भी ब्राह्मणों के होने चाहिए, पॉलिटिकल विंग भी ब्राह्मणों के होने चाहिए, सामाजिक संगठन के तौर पर RSS, हिंदू महासभा, बजरंग दल, पतित पावन संगठन, समरसता मंच, वानर सेना, दुर्गा वाहिनी, साला हमें लगता था हिजड़े, हिजड़ों का तो संगठन का नेता हमारा होगा, हिजड़े SC ST OBC के बहुसंख्यक, बहुजन समाज से हिजड़ों की भी संख्या बहुसंख्यक है, हिजड़े SC ST OBC से,
हिजड़ों का नेता ब्राह्मण हिजड़ा लक्ष्मी त्रिपाठी, प्रोस्टिट्यूशन करने वाले वुमेन एसएसटी ओबीसी से उनका नेता वर्षा देशपांडे ब्राह्मण। जैसा मैंने कहा था, किसान हमारा, मजदूर हमारा, नेता था शरद जोशी। त्याच्या बापाने कधी जू धरून बघितलं होतं का? त्याच्या बापाने कधी कोळप धरून बघितलं का? रुमन हातात घेतलं का? याने केवळ उन्होंने उनके सोशल ऑफसेट विंग ही डेव्हलप नाही किए, बल्कि स्टूडेंट विंग भी डेव्हलप की। कांग्रेस के येने शिवाय काम कर रहे है, बीजेपी की एबीवीपी काम कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई सीपीएम की एसएफआई है, ऑल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई काम कर रही है, पांच पांच रिकॉग्नाइज पार्टी है उनकी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की यानी सीपीआई सीपीएम ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते, लेकिन आज कर रहे हैं। साथियों, सरकार बहुजनों की होनी चाहिए। जिसकी सरकार होती है उसका मीडिया होता है, जिसकी सरकार होती है उसकी न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, जुडिशियरी उनकी होती है। क्या बहुजनों की है? यह बहुजनों की नहीं है, बहुजनों की बननी चाहिए। कब बनेगी? बहुजन जब शासक बनेगा, बहुजन जब सरकार में आएगा तो उनका इतिहास का भी रक्षा हो जाएगा, उनकी प्रेरणा भी बचेगी। लेकिन आज हमारा इतिहास संकट में है, हमारे प्रेरणा संकट में है, क्योंकि इतिहास में झूठा प्रोपोगंडा करके इतिहास लिखा गया है। यानी इतिहास झूठा लिखना भी एक इतिहास का दहशतवाद है। यह ब्राह्मणिकल आतंकवाद है, यह ब्राह्मणी आतंकवाद हमें खत्म करना होगा। यह सोसाइटी के अंदर भी है, यह इतिहास के अंदर भी है। इसको अगर खत्म करना है तो हमें लोगों को संगठित होना होगा। और वामन मेश्राम साहब ने लहुजी क्रांति मोर्चा जैसा संगठन समाज को जोड़ने के लिए दिया है। इसका नेतृत्व माननीय नंदाताई लोखंडे मैडम कर रही है। काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं इस संगठन के बैनर तले पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि हमें अन्नाभाऊ साठे जी का भी इतिहास प्रेरणा देखनी होगी। 2009 में एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर के साथ में अंकल जी मेरा डिबेट डिस्कशन चल रहा था। उसने कहा अन्नाभाऊ साठे कम्युनिस्ट है, तो मैंने कहा वो कम्युनिस्ट नहीं थे। उन्होंने कहा वो कैसे नहीं थे? संदर्भ देव। तो मैंने कहा कैसे थे इसका संदर्भ दे दो। नहीं, उन्होंने कामगारों के बारे में लिखा, किसानों के बारे में लिखा। तो हमने कहा ज्योतिराव फुले ने भी लिखा, बाबा साहब ने भी लिखा, तो ज्योतिराव फुले को भी कम्युनिस्ट घोषित करोगे, बाबा साहब को भी कम्युनिस्ट घोषित करोगे? किसी भी कम्युनिस्टों ने घुमंतु जनजाति के ऊपर नहीं लिखा, आदिवासियों के ऊपर नहीं लिखा, अछूतों के बारे में नहीं लिखा, यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अन्नाभाऊ साठे जी ने लिखा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, ये ज्योतिराव फुले ने शूद्र अति शूद्र कॉन्सेप्ट लेकर लिखा। तो प्रोफेसर को मैंने कहा अन्नाभाऊ साठे कम्युनिस्ट नहीं थे, उसका एक ही आधार मेरे पास में है, जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव। तो कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने कहा त्यात काय एवढं म्हणे? मग मी म्हणालो त्यात तर सगळं सामावलंय। प्रोफेसर कम्युनिस्ट म्हणाला ते कस काय बरं? अरे अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट असते तर अण्णाभाऊ साठे असे म्हणाले असते, जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला लेनिन राव स्टॅलिन राव श्रीपाद आमरे डांगे राव, भीमरावच का म्हणाले? ही आमची
विचारांची नाड आहे, हे हमारी वैचारिक नाल है, जो बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य वामन मिश्राम साहब इसको आगे लेकर चल रहे हैं। इसलिए साथियों, महाराष्ट्र के तमाम मातंग कम्युनिटी को मैं अपील करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का मातंग हिंदू नहीं है। अगर ब्राह्मण आपको हिंदू कह रहा है तो षड्यंत्र कर रहा है, ये समझ लेना। ओ मोहन भागवत, पहले हाफ चड्डी में था, अभी फुल पैंट में आया है। मोहन भागवत ने कहा सभी भारतीय हिंदू है, तो वामन मेश्राम साहब ने कहा मोहन भागवत को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड घुमंतु जनजाति के लोग कैसे हिंदू है वो सिद्ध करे। आज तक उसका उत्तर नहीं दिया मोहन भागवत ने, आज तक उसका उत्तर नहीं दिया। बोलते बोलते कहा हिंदू धर्म नहीं है, वो एक संस्कृति है। अरे तब से लेकर प्रश्न हम पूछ रहे हैं, मुक्ता सालवे से लेकर आज तक प्रश्न का प्रश्न जारी है, लेकिन उसका उत्तर ब्राह्मणों के पास में नहीं है। मातंग समाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक ब्राह्मण मातंग समाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मातंग समाज ने जागरूक होना चाहिए। किसकी मिट्टी किसके लिए दे रहे हो भाई? जो आरएसएस संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है, संविधान जलाया जंतर मंतर पर, और संविधान हमारे समर्थन में है, शेड्यूल कास्ट में मातंग समाज भी है, और जो संविधान जला रहे हैं, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उसके लिए मिट्टी दे रहे हो? हमारे महापुरुषों के पद पर स्पर्श से पावन हुई भूमि की मिट्टी उसको दे रहे हैं। आरएसएस को मिट्टी देने की जरूरत नहीं है, आरएसएस को मिट्टी में गाड़ने की जरूरत है। इसलिए तमाम महाराष्ट्र के मातंग समाज को मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हो रहा है, वो भी झूठा इतिहास है, और उस राम की राम मंदिर का घंटा बजाने के लिए मांगों को मातंगों को नहीं बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को जगन्नाथपुरी मंदिर से धक्के मार कर बाहर खदेड़ा। पहली बार हमें जानकारी प्राप्त हुई जब उन्होंने कहा दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी दलित होता है, राष्ट्रपति पद को ही दलित घोषित किया। तो राष्ट्रपति के औकात उन्होंने निकाले, हम तो जनसामान्य लोग हैं, राम मंदिर खड़ा करना चाहते हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि उनके हजारों पीढ़ियों का पेट पानी का व्यवस्था करना चाहते हैं। जो संविधान खत्म कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए, जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो समाज की रक्षा कर रहे हैं, उनके समर्थन में महाराष्ट्र के मातंग लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि असंगठित लोग संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, संगठित शक्ति का मुकाबला करने के लिए संगठित शक्ति से ही किया जा सकता है, संगठित शक्ति के लिए ही लहुजी क्रांति मोर्चा का निर्माण हमने किया हुआ है। और एक संगठन केवल चलाना यह कोई हमारा मकसद नहीं है, इस संगठन के माध्यम से नेतृत्व निर्माण करना यह हमारा उद्देश्य है, और इस नेतृत्व के माध्यम से जन आंदोलन को सफल करना यह हमारा उद्देश्य है। साथियों,
गांव गांव में जाओ, मातंग समाज को जागरूक करो, कॉर्नर मीटिंग लो, युवाओं को साथ में लो, महिलाओं को साथ में लो, क्योंकि जागृति का सिद्धांत है, जागृति के कारण प्रबोधन होता है। जिन लोगों का प्रबोधन हुआ वो लोग संगठित होते हैं, संगठित शक्ति का निर्माण होता है। संगठित शक्ति का निर्माण होने से जन समर्थन बढ़ता है। आज आरएसएस के समर्थन में हमारे लोग समर्थन दे रहे हैं। अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूक करेंगे, तो उनका समर्थन जो है वो हमारे समर्थन में आएगा। और वस्ताद लहूजी सालवे जी का, अन्ना भाऊ साठे जी का, उमाजी नायक का जो आंदोलन था, छत्रपति शिवाजी महाराज का आंदोलन था, बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन था, इसको गति में लाने के लिए हमें पहल करनी होगी। आप गांव गांव में जाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को संगठित करो और आरएसएस का षड्यंत्र एक्सपोज करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय लहू जी, जय मूल निवासी। धन्यवाद।